चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, इसी महीने निपटा ले सारे काम। 6,90,000 करोड़ का योगी सरकार का बजट, छात्र छात्राओं को मिलेगा फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। एयरटेल ने फिर महंगा किया रिचार्ज प्लान, कीमत में हुई 51 रुपए की बढ़ोतरी। भारत में कभी भी आ सकता है भूकंप, NGRI के वैज्ञानिक ने दी चेतावनी। सदन में 28 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट, हाई लेवल मीटिंग होगी। इसी महीने 12 करोड़ किसानों को मिलेगी खुशखबरी, सरकार जारी करेगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति चुनाव में टक्कर देंगे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी। खड़गे का 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा 100 मोदी या 100 अमित शाह आ जाए फिर भी जीतेगी कांग्रेस। उद्धव ठाकरे ने बताया लोकसभा चुनाव में जीत का प्लान, कहा 2024 में भाजपा को पानी पिला देंगे। आज पेश होगा गुजरात विधानसभा का बजट, सत्र के हंगामेदार होने के आसार। CAA और NRC का जिक्र कर ममता बनर्जी का BJP पर हमला, कहा हम उन्हें दिल्ली से बाहर कर देंगे। 90 रुपए लीटर हुआ सोयाबीन तेल, सरसों और मूंगफली के भाव में भी गिरावट। कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लगाया सेना के अपमान का आरोप। अब ट्रेनों में चोरी नहीं होगा आपका सामान, बिना OTP नहीं खुलेगा डिब्बा। शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, कहा गरीबों को मिलेगा 100 रुपए में 1-1 किलो चीनी, चावल, शक्कर और दाल। गौतम अडानी की दौलत में 70 अरब डॉलर की गिरावट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगातार घट रही संपत्ति। अयोध्या में CM योगी के बनने वाले मंदिर पर पहली बार बोले अखिलेश यादव, कहा हॉस्पिटल कब बनाओगे। दिल्ली NCR में भूकंप के हल्के झटके, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। अब आधार के जरिए सेट कर सकते हैं UPI पिन, नहीं पड़ेगी डेबिट कार्ड की जरूरत। ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट का झटका, शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेना का चिन्ह और नाम। अब राजस्थान में दवाइयां मिलेगी फ्री, गहलोत सरकार ने शुरू की नई योजना। केंद्र सरकार के बजट को लेकर किसानों का भारी विरोध प्रदर्शन, कहा बजट में कुछ खास नहीं। झारखंड में बर्ड फ्लू का कहर, चिकन और बत्तख की बिक्री पर रोक। टेक कंपनियों ने अब तक छीन ली 84,000 नौकरियां, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेगी योगी सरकार, मेट्रो के लिए भी बम्पर ऐलान। भारत में कोरोना से राहत, बीते 24 घंटे में आए 125 नए केस, ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ा।